जैसे जैसे लोकसभा का चुनावी समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे पक्ष विपक्ष इस चुनावी दंगल में बने रहने के लिए अपने पांव पक्के करने में जुट गए हैं। 2024 में खुद को ज्यादा से ज्यादा मजबूत करने के लिए एक से एक नए मुद्दों को उठाया जा रहा है और एक दूसरे पर जमकर वार प्रतिवार किया जा रहा है। हाल ही में भोपाल में कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने पसमांदा मुसलमानों का जिक्र किया था और कांग्रेस पर धारदार निशाना साधा था। पीएम मोदी ने पसमांदा मुसलमानों के नाम पर वोट बैंक की राजनीति करने वालों को खरी खरी सुनाई थी। वहीं पीएम मोदी के इस बयान पर पलटवार करते हुए बहुजन समाजवादी पार्टी सुप्रीमो मायावती का बड़ा दाव खेल गई है, जिसके लपेटे में समाजवादी पार्टी भी आ गई है। मायावती ने पीएम मोदी के एजेंडे का समर्थन तो किया, लेकिन साथ ही कुछ ऐसा कह दिया जिससे बीजेपी के लिए नहले पर दहला जैसी स्थिति बन गई है। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव के लिए भी नई मुसीबत खड़ी हो गई है। मायावती ने एक के बाद एक दो ट्वीट कर डाले हैं। पहले ट्वीट में तो ऐसा लगेगा कि मायावती बीजेपी का समर्थन कर रही हैं। मायावती ने पहले ट्वीट में लिखा, पीएम मोदी द्वारा भोपाल में बीजेपी के कार्यक्रम में सार्वजनिक तौर पर ये कहना कि भारत में रहने वाले 80% मुसलमान पसमांदा पिछड़े शोषित हैं, यह उस कड़वी जमीनी हकीकत को स्वीकार करना है जिससे उन मुस्लिमों के जीवन सुधार हेतु आरक्षण की जरूरत को समर्थन मिलता है। इसके बाद मायावती ने एक और ट्वीट किया जिसमें बीजेपी और अखिलेश दोनों के लिए नई मुसीबत खड़ी कर दी। मायावती ने लिखा, अतः अब ऐसे हालात में बीजेपी को पिछड़े मुस्लिमों को आरक्षण मिलने का विरोध भी बंद कर देने के साथ ही इनकी सभी सरकारों को भी अपने यहां आरक्षण को ईमानदारी से लागू करने तथा बैकलॉग की भर्ती को पूरी करके ये साबित करना चाहिए कि वो इन मामलों में अन्य पार्टियों से अलग है। अब आपको बताते हैं कि मायावती के इस ट्वीट से सपा में छटपटाहट क्यों बढ़ गई है। अखिलेश फिलहाल पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के फॉर्मूला पर काम कर रहे हैं, तो ऐसे में बीजेपी और बसपा का भी यही मुद्दा उठना सपा के लिए मुसीबत बन सकती है। 2019 में बीएसपी और एसपी ने यूपी में मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन रामपुर और स्वार जैसी सीटों पर हार के बाद सपा का डर और बढ़ने लगा है। वहीं भाजपा ने 2024 के लिए पसमांदा मुसलमानों का मुद्दा यूं ही नहीं चुना। देश में 80% मुसलमान पसमांदा है। पीएम हर बड़ी रैली या समारोह में पसमांदा मुसलमानों के आर्थिक हैसियत और उनके पिछड़ेपन का जिक्र करते हैं। रामपुर सीट पर फॉर्मूला कामयाब रहने के बाद बीजेपी को अब इसी मुद्दे से 2024 में आशा की बड़ी किरण दिख रही है।